नमस्ते भैया नमस्ते नमस्ते चलिए भैया बैठते हैं, हैं। भैया आप कहाँ से आए भैया कम से कम अपना परिचय दीजिए ठीक है दीदी बताते हैं नाम राजेश के हुआ दीदी और ग्राम छाछ की निवासी हूँ और रोशनी आप अपना परिचय दीजिए मेरा नाम रेखा देवी है मेरा गांव बतसपुर में है और मैं दीपक समूह का सदस्य हूँ अब कैसे आना हुआ भैया हाँ दीदी दो साल से आप बैगनिक खेती जो कर रहे हैं जो बड़ा अच्छा होता है आपका और यही सीखने के उद्देश्य आए हैं कि बैगन की खेती किस तरह से आप करते हैं जो इतना अच्छा उपज मिलता है आपको हाँ भैया खेती तो करते हैं भैया और बैगन तो लगाते हैं ठीक है चलिए सिखाते हैं आपको है। बैगन के बीचा को सबसे पहले बीचा को शोधन करना पड़ता है भैया अच्छा शोधन करते हैं दीदी हाँ शोधन करते हैं और बहुत अच्छा समय पर आये भैया हम बीज को ही शोधन ही करने जा रहे थे बैगन के बीज दीदी हम कुछ समझा नहीं क्या होता है हाँ भैया आपको सिखाए देते हैं एक कट्ठा में बैगन के बीज दस ग्राम के बीज की जरूरत है अच्छा दस ग्राम बीज की जरूरत पड़ते है दीदी एक कट्ठा में हाँ भैया देखिए भैया सौ ग्राम पानी सुनसुन पानी अच्छा सुनसुन पानी दी हाँ सुनसुन पानी आ, ठीक है दीदी बीस ग्राम गौमूत्र जी गोमूत हाँ गौमूत्र बीस ग्राम है दीदी हाँ पच्चीस ग्राम जैविक खाद जी और गुड़ है दस ग्राम जी ठीक है दीदी बीज शोधन करने से क्या लाभ है? अलावा जल्दी आता है और पौधा स्वस्थ रहता है और उपज ज़्यादा होता है अच्छा इसीलिए मैया करते हैं उपचार करते हैं दीदी हाँ भैया सबसे पहले भैया सुन सुन पानी में दस मिनट डाल डाल कर, दस मिनट इसको चलाना है भैया ऐसे ठीक है दीदी पानी में ही बीज को डालते हैं ठंडा पानी में क्यों नहीं बीज सोया हुआ रहता है भैया पानी में डालने पर बीज जाग जाता है अंकुरन जल्दी आता है देखिए भैया जो बीज है छपला गया है उसको निकाल के बीख देंगे इसको निकाल के ऐसे फेंक देंगे छपला गया। दीदी आप पानी के ऊपर जो बीज था जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं उसको हटा दिए आप वो जल में के जलाम जाता है भैया नहीं अच्छा पौधा नहीं होता आ, है अच्छा इसीलिए आप हटा दिए हैं हटा देते मतलब अथी रहता हो जी इसमें 25 ग्राम जैविक खाद ना रहेंगे 25 ग्राम दीदी जैविक खाद किस लिए दीदी जैविक खाद पौधों के खाने के रूप में ही देते हैं ताकि जल से ही पौधों के खाना मिलते रहे अब इसमें दस ग्राम गुड़ नाना है भैया सब डाल के इसमें मिला देते हैं गुड़ का, का काम है दीदी गुड़ जैविक खाद को गुड़ जैविक खाद को बीच में सटने में मदद करता है अच्छा दीदी अब इसमें बीस ग्राम गौमूत्र डालना है अच्छा ये गौमूत्र भी पड़ता है दीदी हाँ। गौमूत्र किस लिए दीदी गौमूत्र बीज को ताकत देता है और बीमारी से बचाता है ठीक है दीदी बीमारी से भी बचाता है और ताकत भी देता है हाँ बहुत फायदेमंद है दीदी गौमूत्र गौमूत्र अब इसे सब सब मिलाकर भैया छ घंटा अति छाव में रखना है भैया छाव घंटा फुलाना इसको अच्छा दीदी छह घंटा ये फूलेगा दीदी हाँ छह घंटा जिसमें रौदा ना लगे भैया छाव में थी? रखना है भैया जी जी ठीक है दीदी ठीक है दीदी हम छह घंटा के बाद आएंगे अब चलते हैं दीदी छह घंटा के बाद आइए ठीक है दीदी आप पूरे छह घंटा पे आ गए भैया हाँ दीदी हमारा ध्यान लगल था की पहले देख लेंगे ना अपना ये बीज शोधन करते हैं उसको देखने के लिए बड़ा इच्छुक थे पूरा छह घंटा पूरे हो गया भैया अब छह घंटा के बाद इसको क्या करना है दे दीदी दे? देखिए भैया इसको सूती कपड़ा में इसको छ्याम देंगे भैया भैया। देंगे।, देंगे। देखिए भैया इसको ऐसे बांध दिए भैया और बारह घंटा छा में रखेंगे इसको अच्छा इसको छा में रखना दे दी। हाँ छा में हाँ। रखना है और जब सूख जाए तो हल्का हल्का इस पर पानी छिड़ देंगे हमेशा देखते रहेंगे इसको कि ताकि सूखे नहीं अच्छा अच्छा मतलब सूख ना अच्छा 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 हो जी अच्छा जी हाँ। ठीक है। इसको छा में ले जाके अच्छा जगह रख देंगे हाँ, दीदी बीज शोधन में कुछ सावधानी बरतनी चाहिए हाँ भैया सावधानी तो रखना ही चाहिए भैया ज्यादा पानी गरम नहीं होना चाहिए भैया बीज को ज्यादा नहीं फुलाना है भैया अच्छा दीदी बीज को ज्यादा नहीं फुलाना जितना छह घंटे तो घंटे फुलाना है ठीक है दीदी ठीक बीज शोधन करके छाया में ही रखना चाहिए अच्छा दीदी इसको छाया में ही रखना है हाँ भैया धूप नहीं लगे नहीं जब तक आकुरे नहीं जब तक कपड़ा ही रखना चाहिए और कपड़ा सूखना नहीं चाहिए अच्छा दीदी यानी कि कपड़ा पर मतलब छीटा उठा मारते रहना चाहिए पानी का देते रहना हाँ, जब तक नहीं आकड़े जब तक जी जी ठीक है दीदी दीदी कौन सा बैगन है दीदी बैगन बैगनी गोल है दो साल से हम लगा रहे हैं भैया उपज इसका बहुत अच्छा है भैया अच्छा दीदी अच्छा उपज देता है ठीक है दीदी हाँ दीदी आप गोल ही बैगन क्यों लगाते हैं बैगन तो बहुत तरह का होता है भैया लेकिन हम हाँ बैगन बैगनी गोल ही लगाते हैं भैया अच्छा अच्छा मतलब इसका ज़्यादा उपज इसीलिए हाँ भैया हाँ। एल का कंपनी है इसका हाँ कंपनी का ठीक हाँ। है दीदी धन्यवाद दीदी आप बहुत बहुत अच्छा बात बताए बीज उपचार करने के लिए विशोधन करने के लिए और हम ऐसा करेंगे अपने गांव में जा कर के और लोगों को सिखाएंगे कि बीज शोधन से कैसे हमको लाभ मिलेंगे जी अच्छा दीदी अब हम